हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग क्लासेस। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप टर्टल का जो यूजुअल शेप है ट्राइंगल टाइप का, उससे अगर बोर हो गए हैं तो आप टर्टल का शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। और पेन का जो स्पीड है, अगर आपको लगता है कि वो स्लो है तो आप उस पेन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। वो कैसे किया जाता है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्ट टर्टल लिख देंगे, टी इज इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल यहाँ पे लिख देंगे। और अब आपको टर्टल का शेप चेंज करना है, तो हम यहाँ पे पिछले में जैसे हमने साइज एंड शेप के लिए किया था, तो साइज एंड शेप लिख रहे थे, यहाँ पे हमें सिर्फ शेप चेंज करना है। तो यहाँ पे हम टी डॉट शेप लिखेंगे। जब हम शेप की बात करेंगे तो टर्टल का शेप होगा वो चेंज होगा। तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए टर्टल के शेप को एरो करना चाहते हैं, तो आप एरो लिख दीजिए यहाँ पे, तो टर्टल है वो एरो टाइप का बन जाएगा। तो अब देखिए, हम इस टर्टल का जो है दिखाता हूं मैं आपको, टर्टल रन करके कैसा हमारा टर्टल दिख रहा है अभी। तो ये देखिए, ये टर्टल हमारा अब एरो जैसा बन चुका है। अब मैं आपको थोड़ा टर्टल को रन करके दिखाता हूं कि टर्टल कैसे रन करता है। तो और टी डॉट फॉरवर्ड फॉरवर्ड कितना चलाएं इसको, 120 चला देते हैं। तो टी डॉट फॉरवर्ड 120 किया हमने, रन किया। तो अब देखिए टर्टल, आप देखिए यहाँ पे एरो टाइप में टर्टल हमारा बन चुका है। अब आप एरो आपको पसंद नहीं है तो आप सर्कल कलर में टर्टल को बना सकते हैं। तो सर्कल में क्या करना है आपको, जहां एरो लिखा था हमने वहां पे सर्कल लिख देना है आपको। तो हमने यहाँ पे एरो की जगह मैं लिख देता हूँ सर्कल। अब देखिए हमारा टर्टल है, उसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो हमारा टर्टल है वो आप देखिए सर्कल कलर, सर्कल जो है शेप का वो बन चुका है। आप इसमें और भी शेप दे सकते हैं, जैसे क्लासिक शेप देना चाहते हैं तो क्लासिक भी शेप यहाँ पे अवेलेबल है। तो टर्टल को क्लासिक कर दीजिए यहाँ पे, तो क्लासिक शेप आपको मिलता है। देखते हैं क्लासिक शेप कैसा निकल के आता है। रन कीजिए मॉड्यूल को, तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्लासिक शेप है वो एरो में इस कलर से निकल करके आ गया। तो आप अलग अलग टाइप का शेप इसमें दे सकते हैं, स्क्वायर शेप भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब अगर आप टर्टल की स्पीड है वो अगर बढ़ाना चाहते हैं जो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे स्पीड का लिख देना होता है, टी डॉट स्पीड। टी डॉट स्पीड आप करेंगे तो टर्टल की स्पीड आ जाती है। स्पीड आप कैसा रखना चाहते हैं वो, जितना इसमें नंबर डालेंगे उतनी स्पीड तेज होती जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ 0, तो टर्टल एकदम बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेगा, जितनी इसकी कम से कम स्पीड है उतने में चलेगा। और अगर मैं टर्टल को कर देता हूँ 10, तो टर्टल अपनी हाईएस्ट स्पीड होगी उस पर चलेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईएस्ट स्पीड पे मैं चला के दिखाता हूँ। तो टर्टल की स्पीड 0 से 10 के बीच में आप रख सकते हैं, इसको 500 करते हैं ताकि हाईएस्ट स्पीड में अपना को दिखे थोड़ा सा। फिर टी डॉट राइट टर्न करवाते हैं इसको 90 डिग्री पे, और फिर हम बोलते हैं टी डॉट फॉरवर्ड 500 एंड फिर टी डॉट होम सॉरी, होम का मतलब वापस होम पे चला जाएगा। आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो ये मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पता चल रहा है आपको तो पुराने वीडियोस देखिए, आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, देखिए देखिए टर्टल कितनी स्पीड के साथ मूव किया है और इसने हमारा जो डायग्राम है वो बना दिया है 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ये डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। तो इस प्रकार से आप टर्टल का जो स्पीड है और टर्टल का जो साइज है और शेप है और कलर है वो सारी चीजें चेंज करना अब तक हम सीख चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट भी कीजिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दीजिए, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को और ज्यादा बढ़ाइए। दोस्तों अब ये आपका चैनल भी है मेरे साथ साथ, क्योंकि आप इसमें लर्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।